ओके, टुडे वी विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 10। इफ देयर इज अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म ए एन ग्रेटर देन जीरो, जनरल टर्म बी एन ग्रेटर देन जीरो एंड एन प्लस वन टर्म ए एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एन प्लस बी एन एंड बी एन प्लस वन इज इक्वल टू root of a n b n, then prove that ये जो दोनों sequences हैं a n वाली और b n वाली sequences, ये दोनों की दोनों ही क्या है, monotonic and both converge to same limit। जल्दी जल्दी statement note कर लो भी सभी। एंड पीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, 2003 और 2011 में रजे आ चुका है ये कुछ। ओके, तो दो तीन बातें हैं रजे, आपने वो ध्यान में रखनी है, ठीक है? वो क्या है भाई, सबसे पहले भाई एम क्या होता है राजे? बी इज ए एम ऑफ ए एंड सी। कब राजे? जब बी को लिखा जाएगा। वेरी गुड। जी एम क्या होता है राजे? ठीक है, जी एम क्या होता है? बी को राजे जी एम कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। जब बी को लिखा जाएगा ए और सी की मल्टीप्लाइकेशन फिर रूट, ठीक है? एंड ये नंबर वन बोल दो, इसको नंबर टू बोल दो। नंबर थ्री, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है? ये तीन बातें आप ध्यान में रखना। नोट कर लिए राजे? तो इसमें राजे पहला स्टेप क्या है, आपने अपनी तरफ से, ठीक है, ये विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी, इसकी फुल फॉर्म पता ही होगी शायद आपको, विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी। अपनी तरफ से ये मान लो भाई ए एन सीक्वेंस की पहली टर्म बी एन सीक्वेंस की पहली टर्म से बड़ी है, ये अपनी तरफ से हमने मानना है पहले स्टेप में। ठीक, नोट कर लिया राजी ये वाला? प्रदीप आपने भी कर लिया? प्रदीप आवाज आ रही है आपको? ओके, तो सेकंड स्टेप राजे, देखो ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए एन प्लस बी एन। क्या ये चीज जो है इसको मैं कह सकता हूं ए एम? किसका किसका ए एम है? ए एन एंड बी एन का, ठीक। और बी एन प्लस वन किसके इक्वल है? रूट ऑफ ए एन बी एन। क्या इसको मैं बोल सकता हूं भी ये जी एम है ए एन और बी एन का, ठीक। एंड सबको पता है भी जी एम हमेशा, सॉरी ए एम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जी एम, ठीक है? तो ए एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा बी एन प्लस वन से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ओके, ए एम है राजे अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। जी एम क्या है?
ज्योमेट्रिक मीन। भी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, ऐड करने के बाद टू से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये इनका रिलेशन क्या है राजे, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम। ओके, ये नोट कर लिया राजे आपने? ओके तो यहां पर आज ए एम की वैल्यू आई है ए एन प्लस वन, जी एम की वैल्यू आई है बी एन प्लस वन। ठीक, स्टेप थ्री तक नोट कर लिया आपने? प्रदीप कर लिया नोट? ओके तो भाई ए वन पहले ही ग्रेटर देन बी वन ले चुके थे, एंड ए एन प्लस वन ग्रेटर देन बी एन प्लस वन। ठीक है, अब इसमें राजे कौन सी टर्म्स आएंगी? देखो इसमें जब एन की वैल्यू वन फिल करोगे तो ए टू ग्रेटर देन बी टू, ए थ्री ग्रेटर देन बी थ्री, ए फोर ग्रेटर देन बी फोर, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। और ये हमने पहले ही अपनी तरफ से विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी में अज्यूम कर लिया था। तो इन दोनों को मिला के मैं कह सकता हूं भाई ए एन ग्रेटर देन बी एन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। देखो एंड के बाद वाला जो है वो टू से शुरू है, एंड से पहले वाला वन से शुरू है, तो मतलब पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए हो गया प्रूफ, यस और नो, है ना? तो अच्छा, मतलब ये मतलब कह लो भी ये वाला क्या है बड़ा भाई, और ये वाला क्या है छोटा भाई है ना? आपके घर में कोई बड़ा छोटा होगा, बड़ी सिस्टर या छोटा भाई, तो आप वो सपोज कर लो। ठीक है, बड़े वाले को आप ए एन मान लो, छोटे वाले को बी एन मान लो। ओके नाउ सोच समझ कर बताना राजे, ए एन प्लस वन की वैल्यू तो पता ही है ना राजे, ए एन प्लस बी एन। ठीक, तो मैं ये बी एन क्या था राजे, छोटा भाई, बी एन की जगह पर राजे मैं बड़ा बड़ा भाई लिख दूं, तो राजे इन दोनों में अब क्या रिलेशन आएगा, लेस देन का आएगा, यस और नो? ठीक है, एंड चलो ये नोट कर लें, ये सॉल्व करके देखो, ए एन आ रहा है 1/2 ए एन प्लस ए एन, सॉल्व करके ए एन आ जाएगा। ओके, यहां तक नोट कर लो राजे। ओके तो अभी अभी राजे एन प्लस वन टर्म लेस देन हमने शो कर दी एनथ टर्म से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है भाई, सीक्वेंस ए एन वाली क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, वेरी गुड, इट इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, अब बी एन वाली सीक्वेंस पर काम करते हैं। ठीक है, बी एन प्लस वन की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ ए एन इंटू बी एन। ठीक है, ये क्या है बड़ा भाई, और मैं इसकी जगह लिखने वाला हूं छोटा भाई, है ना? तो क्या रिलेशन आएगा राजे, क्या आएगा, ग्रेटर देन का आएगा। ठीक है, और ये सॉल्व करोगे राजे बी एन का स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल होके बी एन ही आ जाएगा। ठीक, तो बी एन प्लस वन ग्रेटर देन बी एन आ गया, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो बी एन वाली सीक्वेंस क्या आई राजे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, ये तो इंक्रीज कर गई है ना। जल्दी जल्दी ये नोट कर ले। ओके, तो भाई बी एन वाली सीक्वेंस
सीक्वेंस क्या आ गई भाई? इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। अब मैंने एक आपको रूल बताया हुआ राजे, ठीक है, ये ट्रिक्स ही हैं ये राजे, आप ट्रिक्स नोट कर लो भी। इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाले केस में क्या होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाले केस में क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगी वो लोअर बाउंड का काम करेगी, एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाले केस में क्या होगा राजे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाले केस में क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगी वो अपर बाउंड का काम करेगी, वो किसका काम करेगी राजे, अपर बाउंड का, ठीक है। इसको जर्नल लाइफ में समझो राजे, जर्नल लाइफ में समझो, भी सपोज आप स्टूडेंट लाइफ में हो, है ना, स्टूडेंट लाइफ में आपके फादर ने आपको दे दिए 100 रुपये एक हफ्ते के लिए, ठीक है, तो वो हफ्ते के एंड तक कम होते जाएंगे ना राजे। पहले दिन 100 रुपये दिए आपको, आपने कुछ खा पी लिया, कुछ खर्च कर लिया, अगले दिन 70 रह गए, फिर 50 रह गए, फिर है ना डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग वाले केस में राजे, डिक्रीजिंग वाले केस में राजे, फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या काम कर रही है, अपर बाउंड का काम कर रही है ना। और मान लो आप स्टूडेंट लाइफ से जॉब, आप जॉब करने लग गए, मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, अब आपके लिए आपकी सैलरी जब मिलेगी, है ना, पहले दिन मान लो आपकी पर डे सैलरी आपकी जो भी थी सपोज वो 2,000, ठीक है, दूसरे दिन 4,000, तीसरे दिन 6,000, तो महीने के लास्ट में राजा आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सैलरी वाले सिस्टम में वो इंक्रीजिंग मोड पर है ना, इंक्रीज हो रहा है, डेली आप काम कर रहे हो, इंक्रीज हो रहा है सैलरी आपकी, है ना, तो महीने के लास्ट में क्या होगा, आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, है ना। तो उस वाले केस में फर्स्ट टर्म क्या काम कर रही राजे, देखो 60 ये आपको लास्ट में क्या मिला, 60,000, तो फर्स्ट टर्म क्या है राजे, 1,000, मतलब सबसे कम लोअर बाउंड, ठीक है, ये ट्रिक समझ आ गई राजे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली, ठीक है। इंक्रीजिंग कौन से केस में लगेगा, सैलरी वाले केस में, है ना, डिक्रीजिंग कौन से केस में लगेगा, पॉकेट मनी वाले केस में, ठीक है। तो बी एन क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। सो नाउ अब ए एन कौन सी सीक्वेंस थी भाई, ए एन कौन सा, डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का दिमाग में आएगा भाई कौन सा केस है, पॉकेट, पॉकेट मनी वाला, है ना, तो पॉकेट मनी वाले केस में सबसे सबसे ज्यादा पॉकेट मनी पहले दिन होती जेब में, ठीक है। और बी एन क्या है राजे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिमाग में आएगा भाई सैलरी वाला केस, है ना, जॉब, जॉब लग गई आपकी, तो वो राजे उस वाले केस में राजे पहली टर्म क्या काम करेगी, लोअर बाउंड का, सबसे कम होगी ना राजे सैलरी पहले दिन, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जुड़ती जाएगी, लास्ट में आपको पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगी, ठीक, ये नोट कर लिया राजे आपने। अच्छा इन दोनों में से राजे ये ए एन क्या है, बड़ा भाई है, और बी एन क्या है, छोटा भाई है ना। तो अब राजे मैं अब ये नोट कर लिया ना आपने राजे, ठीक है, अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं रखूंगा छोटा भाई बी एन, वो बड़े भाई से छोटा है, ठीक है, ये बड़ा भाई है। अब ये जो ए एन है राजे, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो ये होगी लेस देन फर्स्ट टर्म, और बी एन राजे इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म क्या होगी राजे, लोअर बाउंड।
ठीक है, तो हमने एक लाइन लिखी थी भी, ये है छोटा भाई, ये है बड़ा भाई, ठीक। तो अब राजेश, जो ए एन वाली थी ये क्या थी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ए वन इसके लिए अपर बाउंड, बी एन वाली राजे इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो बी वन इसके लिए लोअर बाउंड, ठीक। तो नंबर लाइन पर राजे सबसे पहले बी वन आएगा, फिर बी टू, बी थ्री, ठीक है। कहीं ना कहीं राजे, ठीक है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये वाली, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस कहां पे राजे रुकेगी? ए वन पर। ठीक, नोट कर ले राजे ये वाला, ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूं भी बी एन बाउंडेड सीक्वेंस है? ओके, ए एन भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये जो ए एन है, ए एन क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस, क्या ये बाउंडेड बिलो है? यस और नो? तो कन्वर्ज करेगी। अब बी एन जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है प्लस बाउंडेड अबव भी है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। सो देयर फोर बोथ सीक्वेंसेस कन्वर्ज। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला। ठीक है, मान लो मिनट, गुड आफ्टरनून। मार्क्स है सर मेरे पास डाटा, आप मेरे को सर रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो। तो मेरे पास है वो लिस्ट हार्ड कॉपी है, तो लास्ट में बता दो सर आप क्या था। 420, ठीक है सर। क्या नाम है बच्चे का? मनजीत। मैं सर एक मिनट रुको, आपको भेज देता हूँ। हाँ जी, मेरे पास है सर एमएससी ईएससी, हाँ जी सभी। मैं सर आज लेक्चर देख के फिर आपको 10 मिनट तक कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया सर। मैं सर अभी अभी कर देता हूँ, फिर 1 मिनट में। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। एक बच्चे का सर नंबर चाहिए, फोटो तो कर दो। मैं सर हार्ड कॉपी लेगी, ओके फोटो तो कर दो। बीसी मैम हो गया, ठीक है। पिछली बार
एक मिनट राजे, आप होल्ड रखना, ठीक है? मैं अभी 2 मिनट में आप कंटिन्यू करता हूँ। हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है अभी सबको? हाँ ठीक है। तो राजे, हम देखो कन्वर्जेंट शो कर दिया। तो अब राजे मान लो भी एनथ वाली जो एन वाली सीक्वेंस थी वो ए पर कन्वर्ज कर रही है, बी एन वाली सीक्वेंस बी पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। नाउ ए एन प्लस वन की वैल्यू राजे हमें क्या दे रखी है? ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या दे रखी राजे? हाफ ऑफ ए एन प्लस बी एन। दोनों तरफ अगर मैं लिमिट लगाऊं राजे, ठीक है, ये आपको क्या वैल्यू देगा राजे? ए देगा, ठीक, और ये राजे ए प्लस बी वैल्यू आएगी, ठीक। ये राजे सॉल्व करके ए इज इक्वल टू क्या आ गया? बी। मतलब दोनों की दोनों सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही हैं? कन्वर्ज टू सेम लिमिट, ठीक है राजे। नोटेड, ओके। नेक्स्ट राजे एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है? भाई दो नंबर हैं एस वन एस टू, तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई, ठीक। एंड एस एन किसके इक्वल है?
टू एस एन माइनस वन ठीक है। तो क्या राजे कर रहे थे हम डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 11, भाई 0 < s1 < s2 एंड एस एन किसके इक्वल है, 2 s n - 1 s n - 2 अपॉन s n - 1 + s n - 2। शो क्या करना है, एस एन कन्वर्ज टू 3 s1 s2 अपॉन 2 s1 + s2। एंड ये भी राजे पीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी, 2005, 2007 और 2010 में आ चुके हैं। नोटेड, ओके। तो देखो राजे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं भी, हार्मोनिक मीन, देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगर मैं बोल दूं भी बी क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक, या मैं क्या निकालना चाहता हूं, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, वो किसके इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा राजे, 2ab अपॉन a + b, 2ab अपॉन a + b, ये क्या होगा, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो जो हार्मोनिक मीन होगा ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा राजे, ये दोनों के बीच लाई करेगा, हार्मोनिक मीन दोनों के इन बिटवीन लाई करेगा, ये लिख लिया राजे आपने, ओके। तो पहला स्टेप राजे, हमें राजे क्या दे रखा है भाई, nth टर्म किसके इक्वल है, 2 s n - 1 s n - 2 अपॉन s n - 1 + s n - 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं भी ये हार्मोनिक मीन है, a की जगह पर क्या है, s n - 1, ठीक है, बी की जगह पर क्या है, ठीक है, मतलब ए और बी की जगह पर क्या है, s n - 1 and s n - 2। ठीक है, तो ये चीज होगी, यहां पर जैसे s n - 2, बीच में sn होगा और फिर s n - 1, समझ गए, क्योंकि हार्मोनिक मीन बीच में होगा ना राजे, ये समझ गए राजे। तो ओके, यहां तक नोट कर लिया सभी ने, ओके। स्टेप नंबर टू, फिर इसके इस रूल के अकॉर्डिंग भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग भाई, एस एन बीच में, यहां पर s n - 2, यहां पर s n - 1, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग s3 क्या होगा राजे, हार्मोनिक मीन होगा किनका, s1 एंड s2 का, दैट मीन s3 लाई करेगा s1 और s2 में, यस और नो,
यस यस नो ओके अच्छा सिमिलरली एस फोर बताओ राजा, एस फोर किन के बीच लाई करेगा? है ना ये? अच्छा नहीं आप ना राजा ये डायग्राम हटा दो ना, ये नहीं गलत हो रही डायग्राम, कहीं कहीं ये गलत हो रही है, डायग्राम रहने दो ये वाली, ठीक है? ये S1, ये S3, ये S2, ठीक। अब ये जो S4 है, S4 किनका हार्मोनिक मीन है S2 एंड S3 का? ठीक, ये हमें दे रखा था ना राजे, SN इज हार्मोनिक मीन ऑफ किन किन का राजे? SN-2 एंड SN-1, यही दे रखा था ना राजे, SN इज हार्मोनिक मीन। तो मैंने N, अगर मैं N की वैल्यू 4 लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2, एंड यहां पर क्या आ जाएगा? 3। ये सही लिखा मैंने? ओके अब ये देखो राजे, इनमें से छोटा बड़ा कौन है? S2 और S3 में से छोटा कौन है? S3, और बड़ा कौन है? S2। तो S4 इनके बीच आएगा, S4 तो भाई इनके बीच ही आएगा ना, छोटे और बड़े के बीच आएगा। यस और नो? ओके ठीक है। तो इसके बाद राजे ये नोट कर लिया आपने? ओके तो स्टेप नंबर 4। अब ये जो S5 है वो किनका हार्मोनिक मीन होगा? हार्मोनिक मीन ऑफ S3 एंड S4, ठीक। अब चलो S5 तो राजे चलो बीच में ही आएगा, है ना? अब ये देखना है छोटा कौन है बड़ा कौन है, भाई S3 और S4 में से छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये पिछले स्टेप से पता चलेगा, है ना? पिछले स्टेप में देख के बताओ राजे, S3 छोटा है कि S4? S3 छोटा है ना, तो यहां पर हम रखेंगे S3, यहां पे रखेंगे S4। ठीक, तो क्या है राजे, इसको अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये एक चीज कंटिन्यू करते जाएं, कंटिन्यूइंग सो ऑन, तो पहले तो राजे ओड वाले पकड़ो राजे, ओड वाले, ठीक। ओड वालों में क्या रिलेशन राजे, जैसे S1, S3, S5, ठीक है, इवन वाले बाद में पकड़ेंगे, ओड वाले पहले देखो राजे। ये दो सेकंड स्टेप आ रहा है, सेकंड स्टेप में ओड वाले क्या है? S1 एंड S3, ठीक। क्या है इनमें कनेक्शन लेस देन का है? यस और नो? ओके तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेस देन। अब फोर्थ स्टेप पर आ जाओ, चौथे स्टेप में देखो S3 और S5 में क्या रिलेशन है? लेस देन, मतलब ओड वाली क्या हो रही राजे, ओड वाली टर्म्स क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इवन वाली साइड आ जाओ राजे, इवन वाली साइड, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं S2, S4, S6, ठीक है। तो बताओ राजे, पहला पहला सॉरी सेकंड स्टेप देखो राजे, नहीं सॉरी थर्ड स्टेप देखो राजे, तीसरे स्टेप में देखो राजे, इवन वाली टर्म्स को देखो ध्यान से, थर्ड स्टेप में इवन वाली टर्म्स, S4 और S2 में क्या रिलेशन है?
लेस देन, ठीक है यहां पे लेस देन लिख दें, ठीक। अब ये आपको समझ आ ही गया होगा राजे, फिर एस सिक्स और एस फोर में क्या रिलेशन होगा, लेस देन। चलो ये आपने एक कंप्लीट कर दी है ना, ये आपने कंप्लीट कर दी ये एक चीज। तो हमें क्या पता चला राजे, ओड वाली क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। भाई ओड वाली क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो रही। इवन इवन वाली क्या हो रही राजे, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है ना। तो ये नोट कर लिया वैसे आपने, ओके। सो देयरफॉर ओड वाले, ओड वाले 2m माइनस 1 में आएंगे, ठीक है। ये ओड वाली राजे टर्म्स आ गई, ओड वाली जो टर्म्स है ये इनकी सीक्वेंस क्या आ रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक। एंड बाउंडेड अबव किसके साथ राजे, इसको फिर दोबारा से देखो, क्या मैं कह सकता हूं ये जो ओड वाली है S2 से बाउंडेड है। भी ओड वाली सारी की सारी टर्म्स S2 से छोटी ही होंगी, ठीक है। बाउंडेड बाय S2 लिख दूं, यस और नो, ठीक। तो ओड वाली भाई बाउंडेड अबव बाय S2, ठीक। तो अगर कोई राजे इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो क्या करेगी राजे, कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी, यस और नो। अच्छा इवन इवन वाली पकड़ लो राजे, इवन वाली कौन सी आएंगी, 2m s2m, ठीक। और इवन वाली राजे सीक्वेंस जो टर्म्स हैं वो डिक्रीज कर रही हैं, एंड ये मैं कह सकता हूं भी इवन वाली बाउंडेड बिलो है बाय एस वन। चेक करो राजे, ये जो इवन वाली है क्या ये एस वन से बाउंडेड बिलो है, यस और नो। ओके, तो ये भी राजे फिर इवन वाली टर्म्स वाली सीक्वेंस भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट, ठीक। नोट कर लिया राजे ये वाला, ओके। बाकी ने भी कर लिया नोट, ओके। ओके तो अगर दोनों कन्वर्जेंट हैं, मान लो इवन वाली सॉरी ओड वालों की लिमिट एल है एंड इवन वालों की लिमिट आप एम सपोज कर लो, ठीक। नाउ एक रिलेशन राजे दे रखा था एस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू है ना, ये किसके इक्वल होगा, 2s2n s2n माइनस 1 अपॉन ठीक है। एंड s2n प्लस 2 किसके इक्वल होगा राजे, 2 है ना, ये किनका हार्मोनिक मीन है, ये किनका हार्मोनिक मीन होगा राजे, s 2n माइनस 1 सॉरी 2n प्लस 2 है ना राजे, 2n प्लस 1 एंड s 2n का।
अगर ये इनका हार्मोनिक मीन है एस टू एन प्लस वन एस टू एन का, तो ये किसके इक्वल होगा, टू एस टू एन प्लस वन एस टू एन अपॉन एस टू एन प्लस वन प्लस एस टू एन। ठीक, ये नोट कर लिया रजे आपने? ओके, अब ध्यान से देखना राजे, एक तरफ है ये एस टू एन प्लस वन वाला, ठीक है, इस पर भी लिमिट लगाते हैं, और हम एस टू एन प्लस टू वाले पर भी लिमिट लगाते हैं। ठीक है, ये ओड है, ये ओड वाला है केस, है ना? ओड वाले केस में लिमिट की वैल्यू क्या अज्यूम की है, जल्दी बताएं। ओड वाले केस में लिमिट की क्या वैल्यू अज्यूम की है? एल। अच्छा, ये क्या है, इवन? इवन वाले केस में लिमिट की क्या वैल्यू अज्यूम की है? एम। ये ओड, ओड वाले केस में एल। नीचे क्या आएगा राजे, इसकी जगह पर एम, और ये ओड वाले की जगह पर एल। अच्छा, ये लाइन के दूसरी तरफ राजे, ये इवन है, इवन वाले केस में एम, ये क्या है, ये भी इवन है एम, सॉरी इवन नहीं, ये तो क्या है, ओड है ना? ओड वाले केस में क्या वैल्यू अज्यूम की थी, एल, और ये है साथ में, ये इवन है, इवन वाले केस में एम, नीचे राजे एल प्लस एम। ठीक, क्या मैं कह सकता हूं वन एंड टू की राइट हैंड साइड सेम है, यस और नो? है ना, वन एंड टू की राइट हैंड साइड सेम है, फ्रॉम वन एंड टू भी, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, मतलब भाई दोनों ही सेम लिमिट पर कन्वर्ज कर रहे हैं राजे, इवन, इवन वाली टर्म्स, इवन वाली टर्म्स वाली सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है, ओड वाली टर्म्स वाली सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज कर रही है? तो ये एक रूल मैंने आपको बताया हुआ ना राजे, भी फुल सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगी, एल पर। सो देयर फोर ये इवन वाली भी एल पर कन्वर्ज, ओड वाली भी एल पर, सो देयर फोर पूरी की पूरी सीक्वेंस जिसमें इवन भी आएंगी ओड भी आएंगी, ये भी एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, अब हमने राजे लिमिट निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, लिमिट, है ना? तो ये राजे आपको दे रखा है एस एन किसके इक्वल, टू एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू अपॉन एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ठीक, तो आप क्या करो राजे,
ये सब उठाकर इस साइड ले आओ और इनकी जगह इंटरचेंज कर दो, ठीक है? क्या आ जाएगा? एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, ये ऊपर और एस एन नीचे, एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू ये नीचे और ये टू ऊपर बचेगा। ओके, यहां तक नोट कर लिया आपने? ओके, तो इसके बाद राजे एस एन माइनस वन के नीचे अलग डिनोमिनेटर, एस एन माइनस टू के नीचे अलग डिनोमिनेटर, ठीक? पहले वाले केस में ये दोनों कैंसिल, दूसरे वाले केस में ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है टू अपॉन एस एन, किस टू अपॉन एस एन किसके इक्वल आ रहा है? वन अपॉन एस एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एस एन माइनस वन। इसमें राजे आप एन की वैल्यू 3 4 5 सो ऑन अप टू एन फिल कर दो। ठीक, नोटेड। ओके, तो राजे ये हमने अभी अभी प्रूफ किया, टू अपॉन एस एन किसके इक्वल है? वन अपॉन एस एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एस एन माइनस। अगर मैं एन की वैल्यू 3 लूं इसमें तो टू अपॉन एस 3 किसके इक्वल आएगा? वन अपॉन एस 1 प्लस वन अपॉन एस 2, ठीक? अगर एन की वैल्यू 4 लें तो टू अपॉन एस 4 किसके इक्वल आएगा? वन अपॉन एस 2 प्लस वन अपॉन एस 3। अगर एन की वैल्यू 5 लें तो भाई टू अपॉन एस 5 किसके इक्वल आएगा? वन अपॉन एस 3 प्लस वन अपॉन एस 4। इन द लास्ट राजे एन की वैल्यू एन ही लें तो टू अपॉन एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एस एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एस एन माइनस वन आएगा। ठीक, ओके। अच्छा, छड़ा मूवी देखी है किसी ने? छड़ा मूवी, छड़ा मूवी नहीं देखी? ठीक है, ये है भाई दलजीत की और नीरू बाजवा की। ठीक है, ये दोनों मतलब शादी नहीं कर रहे होते मूवी के लास्ट तक, ये शादी नहीं करते, ठीक है? ये छड़े दिखाए गए हैं, ठीक है? तो ये देखो राजे, ये वन अपॉन एस टू, ये वन अपॉन एस टू, ठीक है? मान लो इनकी शादी होगी, ये इसकी शादी नहीं हुई, ये कौन है? ये दिलजीत है, ठीक है? और फिर इनकी शादी हो गई, ठीक? फिर आगे ये शादी होती जाएगी, इस लास्ट तक शादी होगी, है ना? और ये लास्ट में ये कौन बचा? ये नीरू बाजवा, ये इसकी भी शादी नहीं हुई, है ना? ठीक, मतलब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है? हम इनको ऐड करने जा रहे हैं, ये जो एरो वाली टर्म्स है ये टू टाइम्स हो जाएंगी, ठीक है? और ये दलजीत और नीरू बाजवा ये अलग अलग रहेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा राजे? लेफ्ट हैंड साइड पर सारी टर्म्स में से टू कॉमन आएगा, ठीक? ये नोट कर लो भी जल्दी से सभी। ओके, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, एडिंग दीज,
तो टू कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वन अपॉन एस थ्री प्लस वन अपॉन एस फोर, ठीक, वन अपॉन एस फाइव प्लस वन अपॉन एस एन। अच्छा राइट हैंड साइड पर क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, दलजीत, फिर राजे टू टाइम्स, फिर आगे सारे राजे टू टू टाइम्स आएंगे ना, वन अपॉन एस टू, वन अपॉन एस थ्री, वन अपॉन एस फोर, वन अपॉन एस फाइव, कहाँ तक जाएगा राजे ये, वन अपॉन एस एन माइनस वन तक, ठीक है। इसके बाद राजे आएगा ये नीरू बाजवा, नहीं नीरू बाजवा की वन अपॉन एस एन माइनस वन है ना नीरू बाजवा, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लो, यहां पर एस एन माइनस टू एंड ये है वन अपॉन एस एन माइनस वन। ठीक, मेरे को ये बता दो राजी, क्या ये सारी टर्म, नहीं सारी तो नहीं, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पर राजे, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो राजे, एस एन तक जाना है ना, तो एस एन माइनस वन भी आएगा रास्ते में, सॉरी एस एन माइनस टू भी आएगा, एस एन माइनस वन, फिर लास्ट में एस एन, ठीक। ये थोड़ा सा चेंज कर लो राजे आप, अच्छा ये देखो राजे, ये यहां से एस थ्री से एस एन माइनस टू तक, ये सारी कैंसल टर्म्स दोनों तरफ है ना राजे, ये आपस में क्या होगी, कैंसल होगी, ठीक है, ये आपस में क्या हो गई, कैंसल। नोट कर लिया राजे ये वाला, ओके। लेफ्ट हैंड साइड पर राजे, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड पर बचा टू टाइम्स वन अपॉन, है ना, कितना बचा राजे, वन अपॉन एस एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एस एन, यही बचा, यस और नो, ओके। राइट हैंड साइड पर क्या बचा राजे, एक तो दलजीत बच गया वन अपॉन एस वन, ठीक, और एक राजे ये टू अपॉन एस टू, ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है, और एक राजे क्या बचेगा, एक नीरू बाजवा भी बच जाएगी, है ना, वन अपॉन एस एन माइनस वन, और कुछ बचेगा, ठीक। अब ये देखो राजे, ये टू अपॉन एस एन माइनस वन प्लस टू अपॉन एस एन किसके इक्वल है, वन अपॉन एस वन प्लस टू अपॉन एस टू, ये भी राजे एक टर्म कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल करके राजे लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा वन अपॉन एस एन माइनस वन प्लस टू अपॉन एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन एस वन प्लस टू अपॉन एस टू, ठीक। यहां तक नोट कर लो भी जल्दी, नोटिस, ओके। तो मैं राजे दोनों तरफ लिमिट ले रहा हूं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, ठीक है। राइट हैंड साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन अपॉन एस वन प्लस टू अपॉन एस टू ही बचेगा। अच्छा ये एस एन राजे हमने मान लिया है ये एल पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ये एस एन माइनस वन भी तो एल पर ही कन्वर्ज करेगा, ठीक। ये आ गया राजे थ्री अपॉन एल इज इक्वल टू एस वन एस टू इज इक्वल टू अपॉन न्यूमिनेटर में क्या आएगा, एस टू प्लस टू एस वन, ठीक। यहां से आप ध्यान से देखो एल की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री एस वन एस टू अपॉन टू एस वन प्लस एस टू, यही तो शो करना था,
ठीक। कोई डाउट राजे यहां तक? ओके लिख ली, लिख लिया राजे लास्ट तक आपने? राजे आपने भी लिख लिया? चलो ये राजे वैसे तो पीडीएफ भी बन चुकी है, आप पीडीएफ खोल के देख लेना, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।